सुप्रभात छात्रों, आरसे एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है करण कारकम तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति करण कारकम, ये नाम विकारे तृतीय विभक्ति भवति। ये नाम विकारे तृतीय विभक्ति भवति, यानी जिस विकारयुक्त अंग से शरीर में विकार दिखाई देता है उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस विकारयुक्त अंग से शरीर में विकार दिखाई देता है उस विकृत अंगवाचक शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नाम विकार तृतीय विभक्ति भवति। यथा जैसे हमारा पहला उदाहरण है स नेत्रेण काने अस्ति। स नेत्रेण काने अस्ति, वह नेत्र से, नेत्र यानी आँख, वह आँख से क्या है? अंधा या काना है। तो बेटा किससे है? आँख से। तो नेत्र शब्द, नेत्र का मतलब आँख, ठीक है संस्कृत में। तो नेत्र शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर नेत्र शब्द अकारांत तृतीय एक वचन में एण प्रत्यय लग गया और त्रय प्लस र होने के कारण न का क्या कर दिया है? अण, नेत्रेण हो गया है, ठीक है। इसलिए नेत्रेण शब्द में कौन सी व्यक्ति है? तृतीय विभक्ति है। अब पूछा जाए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखत, तो आपको कैसे लिखना होगा कि ये ना अंग विकारे नेत्रेण शब्दे रेखांकित नेत्रेण शब्दे तृतीया विभक्ति वर्तते, ठीक है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण, मोहन कर्णेन बधिरे अस्ति, कि मोहन कान से बहरा है। मोहन कान से बहरा है, तो बेटा देखो यहाँ पर किससे बहरा है? कान से। तो इस कर्ण में जो यानी कि जिस शरीर में जो कान से बहरा है तो इस कर्ण की क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा हो जाएगी, यानी कान की। और इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? तृतीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। और कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। और पूछा जाए कि इसमें विभक्ति और कारणम लिखो, विभक्ति और कारण लिखो, तो करणेन शब्दे ये ना अंग विकारे करणेन शब्दे तृतीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद तीसरा उदाहरण है स पादेन खंजे अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो किससे है अपाई जो है? पैर से, ठीक है। तो पादेन शब्द में कौन सी व्यक्ति लग गई? तृतीय व्यक्ति लग गई है। चौथा उदाहरण है हमारा सूरदास नेत्राभ्याम अंधे आसीत, कि सूरदास नेत्रों से अंधा था, ठीक है। तो किस दोनों यानी कि दोनों नेत्रों से अंधा था, इसलिए तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या आ जाएगा? नेत्राभ्याम। तृतीय द्विवचन में क्या आ जाएगा? नेत्राभ्याम। अब प्रश्न पूछा जाए कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखत, तो आपको लिखना होगा कि ये ना विकारे रेखांकित नेत्राभ्याम शब्दे तृतीया विभक्ति वर्तते, ठीक है। इसके बाद है इत्थं भूत लक्षणे तृतीया विभक्ति भवति। इत्थं भूत लक्षणे तृतीय विभक्ति भवति, यानी जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, इत्थं भूत लक्षणे यानी जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे अब देखो जिस शब्द की पहचान होती है, देखो स जटाभी तापसी प्रदेशे, स जटाभी में जटाओं से ऐसा लग रहा है कि वो कोई तपस्वी हो, इसलिए किस कौन से चिन्ह से मालूम हो रहा है कि वो तपस्वी है? जटा से। तो जटा शब्द में हमने कौन से व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। और इसमें कारक कौन सा हो गया है? करण कारक हो गया है, ठीक है। और इसमें कारण पूछे तो आपको लिखना होगा इत्थं भूत लक्षणे, क्या लिखना होगा? इत्थं, एक बार आपको बता देती हूँ, इत्थं भूत लक्षणे, इत्थं भूत लक्षणे रेखांकित जटाभी शब्दे, रेखांकित जटाभी शब्दे तृतीया विभक्ति
वर्तते यानी है, यानी कि इत्थम भूत लक्षणे रेखांकित जटाभी शब्द में इत्थम भूत लक्षण के ये तो क्या हो गया, कारण हो गया, किस कारण से इसमें तृतीय व्यक्ति इत्थम भूत लक्षणे रेखांकित जटाभी जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ये कारण भी हो गया और इसमें विभक्ति भी बता दी गई। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लिखना है। इसके बाद है बेटा हेतु, यानी हेतु वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। सॉरी, इससे पहले एक दूसरा उदाहरण है, सह बालक पुस्तक छात्र प्रतीयते, यानी वह बालक पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। तो किससे छात्र प्रतीत हो रहा है, पुस्तक के माध्यम से, यानी उस बालक के हाथ में क्या है, पुस्तक है, ठीक है ना, उन पुस्तकों से वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई छात्र है। तो इस पुस्तक से प्रतीत हो रहा है, तो पुस्तक में हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, तृतीय विभक्ति लगा देंगे, तो आ जाएगा स बालक पुस्तक, तृतीय बहुवचन में आ जाएगा पुस्तक, पुस्तकों से छात्र प्रतीयते, स बालक पुस्तक छात्र प्रतीयते, यानी वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति हो गई और करण कारक हो गया, ठीक है। अगर कारण पूछा जाए तो आ जाएगा इत्थम भूत लक्षणे रेखांकित पुस्तक शब्द तृतीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है हेतु, हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। यथा जैसे पुण्येन हरि दृष्टे, यानी पुण्य से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई हरि हो, भगवान हो, ठीक है, पुण्य कर्मों से, देखो इसके कर्म कितने अच्छे हैं, तो किससे प्रतीत हो रहा है, पुण्य से। तो पुण्य शब्द अकारांत है, अकारांत तृतीय एक वचन में एन प्रत्यय लग गया और इसलिए इसमें कौन सी व्यक्ति लग गई, तृतीय व्यक्ति लग गई है, और कारक कौन सा हो गया है, करण कारक हो गया है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा उदाहरण, स अध्ययन वसति, वह अध्ययन से रहता है। तो अध्ययन किससे रह रहा है, अध्ययन से, ठीक है, तो अध्ययन शब्द में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीय व्यक्ति हो गई। इसके बाद तीसरा उदाहरण है विद्या विनयन शोभते, विद्या विनय से सुशोभित होती है। तो किससे शोभित होती है, विनयन विनम्रता से, ठीक है, विनयन, तो विनय अकारांत शब्द है, तृतीय एक वचन में वो ही इन प्रत्यय लग जाएगा, क्या हो जाएगा, विनयन। अगर पूछा जाए कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम लिखत, तो आपको लिखना होगा हेतु, हेतु योगे, हेतु योगे रेखांकित, रेखांकित विनयन शब्दे तृतीया विभक्ति वर्तते, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानां तृतीय विभक्ति भवति, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानां यानी प्रकृति स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृति आदि संख्या विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे पहला उदाहरण देखो बेटा, से प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृत्या, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव से, स्वभाव से कैसा प्रतीत होता है, साधु है, किससे प्रतीत हो रहा है, स्वभाव से, प्रकृत्या, से प्रकृत्या साधु अस्ति, वह स्वभाव से साधु प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण है गणेश सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीता है, किससे जी रहा है, सुख से जी रहा है, तो सुख शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। और मूर्ख है दुखेन जीवति, मूर्ख किससे जी रहा है, दुख से जी रहा है, तो मूर्ख शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है, सॉरी मूर्ख शब्द, दुखेन शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी, और कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम लिखत, तो लिखना होगा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानां दुखेन पदे तृतीय विभक्ति वर्तते, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।